हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रामीण विकास से संबंधित आज फिर आपका व्याख्यान है। दिन आप जानते हैं शनिवार है, और यह सारे प्रोग्राम जितनी भी वीडियोज होती है सब कुछ हम निःशुल्क आपको 10+ कोर्सेस के अंतर्गत दे रहे हैं। आपको करना क्या है, अच्छे से कंसंट्रेट होकर हर दिन जो आपकी 4 से 5 क्लासेस जा रही हैं, इनको बहुत ढंग से पढ़ते रहिए। जो लोग ये पूछ रहे थे सर क्या नोट्स अगर हम वीडियो देखकर बना रहे हैं तो वो फायदेमंद होगा कि नहीं, भैया बिल्कुल फायदेमंद होगा। बस ये है कि जो आपके नोट्स हम जब आप जो है अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं और उसके बाद जो हम नोट्स देते हैं उनमें ये जरूर रहता है कि एक आध नोट्स में आपका कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे रात की 10 बजे जो क्लास चलती है स्टैटिक जीएस या फास्ट ट्रैक है उसमें नोट्स अलग से होता है, साथ ही साथ अन्य जो आपकी चीजें हैं उसमें नोट्स कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जाएगा ही जाएगा। रीजनिंग या मैथ्स हुआ तो उसमें प्रैक्टिस सेट जो जाते हैं आपके वो अलग होता है। तो इन सारी चीजों को पाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आपको वीडियो देखकर जितना नोट्स बना रहे वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो लोग ऐसा पूछ रहे थे तो हम लोग लगभग जो है 10+ एक प्रोग्राम लेकर आए हैं आप सभी की इन्हीं सारी चीजों पर, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी जैसे ही मार्केट में सुनाई दी तो मैंने भी देखा कि जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने 3000, ठीक है, 2500, 1500, मतलब जो जैसा चाहा वो उसने वैसी फी लगा दी। और उसमें बच्चों में सबसे बड़ी चीज क्या है, जो इंक्वायरियां मिली, मतलब जितने लोगों से मैंने बात किया, जितने लोगों ने मुझसे बात किया, उनमें यही चीज थी कि सर ग्रामीण विकास कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो भैया एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आप लोगों की कि हम वीडियो की परीक्षा जो पिछली बार हुई थी और नया UP SSC जब फॉर्म हुआ और तब हुई तो दोनों के सिलेबस में अंतर था, मतलब पैटर्न में अंतर हुआ। रीजनिंग इसमें अच्छी खासी पूछी गई, रीजनिंग का तरीका बहुत बढ़िया पूछा गया। तो अभी तक जितने लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो है पिछली बार रीजनिंग नहीं आई थी इस बार नहीं आएगी, तो अपने आप को थोड़ा सा समझाओ बुझाओ कि नया आयोग है, बिना रीजनिंग के कोई काम नहीं करेगा। इस वजह से रीजनिंग भी पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मतलब तर्क वहां दीजिए जहां पर आप अगर UP SSC के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलते हो तो आप अपने आप को तर्क देकर शांत करिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का अरे सर रीजनिंग नहीं आएगी इसमें, भैया पहले आप UP SSC देखो, कंपेरिजन करो, जो हुआ उसको देखो, जो होता रहा उसको देखो, तब तो आप कुछ बताओगे किसी मुद्दे पर आओगे। वैसे बहरहाल आज जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, आज मैं सबसे आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं ग्रामीण विकास में, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी तक मैं सारी चीजें, आज लगभग 10वीं क्लास मेरी होगी डिटेल की, मैं साथ ही साथ सोमवार मंगलवार बुधवार आपकी जो है ये MCQ क्लासेस भी लेता हूं, तो उसको भी देखिए, इन क्लासेस को भी देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने वो पेपर देखा आपका जो वो राजस्व लेखपाल था, ठीक है, और उसमें मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों को देखा। देखो भैया सिलेक्शन पाने का एक जो सबसे बेस्ट आइडिया है ना, सिलेक्शन में ये चीज जरूर ध्यान रखना कि छोड़ना क्या है। मैं अभी दुनिया भर की गाथा आपको पढ़ाने लगूं, मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूं कि मैं चाहूं तो आपको इतना पढ़ा दूं, आपको इतना कुछ समझा दूं कि आपको लगे नहीं जो है सर जी हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, और सर जी बहुत मेहनत करके भी पढ़ा रहे हैं, सर जी हमें सब पढ़ा रहे हैं और आए कुछ ना, मैं पढ़ाऊं इतना और आए इतना, और मैं पढ़ाऊं इतना और उस समय से इतना आए, तो फायदेमंद आपके लिए क्या होगा, इस चीज को समझिए। इसीलिए पैटर्न के अनुरूप चलिए, किसी संस्था को देखकर अनुमान लगाइए। ऐसा नहीं है कि फला गुरु जी ने कहा, फला यूट्यूबर ने बोल दिया, बस लग गए, ग्रामीण विकास का नाम सुन लिया, ग्रामीण विकास में मैंने लोगों को देखा है वो पॉइंट कहीं से जुड़ा नहीं है और बच्चों को वही खपा रहे, लो पढ़ते जाओ, बस उनमें क्या है वो चीजों को दिखा रहे कि नहीं हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट है। अरे भाई बेस्ट के चक्कर में किसी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ भी तो करना सही नहीं है। इन चीजों को समझिए भैया, आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखो, ये कंपटीशन की दुनिया है, यहां पर चीजें वो जरूर ध्यान रखो सफलता कैसे पानी है, नहीं तो भटकते रह जाओगे। इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इधर तो लॉकडाउन में तो भरमार आ गई, मैं परेशान हूं देख देख के, मतलब ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पे क्लासेस शुरू कर दिए हैं कि क्या बताएं, हद है। वैसे टीम के साथ जुड़ो, पूरे लेक्चर पढ़े हैं देख लो, अदर से कंपेरिजन कर लो, हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो फ्री में कंटेंट क्या दे रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं,
सब कुछ अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद परीक्षा प्लस परिवार में जुड़ो, स्वागत है दिल से, ठीक है। और आप अन्य के साथ कंपेयर करोगे, हमें देखोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप हमें छोड़कर कहीं जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम वो चीजें देते हैं कि इतना दे भैया तो वो गागर में सागर हो, उससे आप उतनी चीजें कर लो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं यहाँ पीएचडी के लिए नहीं आपको लाया हूं, ठीक है। आपको यहां पर कोई भी टीचर पीएचडी के उद्देश्य से नहीं पढ़ाता है, यहां हम उस पर पढ़ाते हैं कि कैसे परीक्षा पास की जाती है, कैसे आप एक सफल व्यक्ति कहलाओगे, ठीक है। तो उस तरीके से जुड़िए, 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत वीडियो सभी निःशुल्क दे रहे हैं, ताकि आपको ये ना रह जाए, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है गांव से जुड़े हैं हमसे इस समय, तो बहुत सारे बच्चे जो शहरों में तैयारी कर रहे थे वो लोग भी गांव पर हैं, ठीक है, तो वहां इंटरनेट बहरहाल उन्हें मिल रहा है, तो वहां पर भी आप बैठे हैं, अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, नेटवर्क इशू जिनके लिए भी है, मान लीजिए वीडियोस नहीं देख पा रहे, तो इसके लिए पीडीएफ आपके पास है, आप जो है 499 रुपए का ये प्लान ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ये भी नहीं कि हम मंथली ले रहे तो आपको 500 रुपए महंगा लगे, हम चार क्लासेस दे रहे हैं उसकी चारों की पीडीएफ देंगे, हम पांच पढ़ाएंगे तो पांच की देंगे, हम छह पढ़ाएंगे, हम दस पढ़ाएंगे तो दस की पीडीएफ देंगे, आपसे पैसा नहीं हम बढ़ाएंगे, ठीक है। 500 रुपए 3 महीने का प्लान है सब्सक्रिप्शन, इसमें सारी पीडीएफ मिल जा रही है, क्या चाहिए भाई, जो क्लासेज होती है उनके क्विज मिल जाती है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। इससे सस्ती चीजें, मतलब 150 रुपए अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर के साथ आप अच्छी चीजें सीख रहे हो, अच्छे अच्छे जो है टीचर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, वीडियोज आपको देखना है निःशुल्क, हमें कोई बात देता नहीं, हम जितनी मेहनत करनी चाहिए एक पेड ग्रुप में उतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी हम अपनी देते हैं, ठीक है। तो उसमें सहयोग रखिए, टीम का हर एक टीचर जैसा पढ़ाता है आपको जैसा लगता है वैसा लिख कर जाया करो लेक्चर पर, ठीक है। ये अपेक्षा हम लोगों को होती है आप सभी से कि कुछ बेस्ट करोगे, ठीक है। देखो आपका कमेंट ही हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, हम उतनी ही चीजों से बहुत बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से जो भी वीडियोस देखिए आप उन वीडियोस के नीचे एक बार कमेंट जरूर करिए कि हाँ टीम का प्रयास कैसा लग रहा है भाई, कौन सर कैसा, हर एक व्यक्ति यहाँ पर आपसे जुड़े रहने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कि हम आपके लिए बेस्ट क्या दें, ठीक है। देखो कोई समस्या होती है, ये सारे नंबर दिए हैं, इन किसी नंबर पर कोई जानकारी लेनी है ले सकते हो, अन्य कोई चीजें चाहिए, हमारे किसी प्रोग्राम के बारे में जानना है, हमारी वेबसाइट ओपन करिए parikshaplus.org, हमारे सारे प्लान उस पर लगे होते हैं, प्ले स्टोर में जाओ परीक्षा प्लस डालिए, तुरंत फट से हमारा ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लो, वहां पर पूरी क्लासेज आपको क्रमबद्ध तरीके से लगी है 10 प्लस कोर्सेज में, वीडियो सभी के आपको फ्री दिखेंगे वहां पर, खुल जाएंगे, पीडीएफ पर लॉग लगा है, अगर आप परचेज करोगे लॉग खुल जाएगा, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं जो आज हमें पढ़ना है, देखो भैया आज जो हम पढ़ाएंगे वह आपको हम पढ़ाएंगे कि एक तरीके से यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने आज ला रहा हूं। आज मैं आपको लंबाई से संबंधित, ठीक है, लंबाई एवं रकबे से संबंधित माप को बताने जा रहा हूं, यह आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, लंबाई एवं रकबा, रकबा का मतलब समझते हो कि मापे, ये मापे कैसे हम जो है करते हैं, इनके बारे में हम आपको पूरी चीजें आज हम बताएंगे। तो लंबाई आप जानते हो, जैसे कोई जमीन होती है तो उस जमीन को आप बता देते हैं कि ये जो है 15 मीटर बाय 20 मीटर या कमरा ये 10 फुट बाय जो है 12 फुट का है, तो इस हिसाब से आप जो है मेजर कर लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई में किसी चीज को बताते हैं। तो यहां लंबाई मेजर करने का आपका तरीका अलग होता है, उसमें हम अलग अलग आपके पैमानों का प्रयोग करते हैं, और दूसरी बात जब हम रकबा मापते हैं, रकबा का मतलब समझते हो, रकबा का मतलब होता है क्षेत्रफल, जब हम क्षेत्रफल मापते हैं किसी जमीन की किसी भूमि की, तो वहां पर हम जो तरीका इस जो है प्रयोग करते हैं, यूनिट जो हम प्रयोग करते हैं वह यूनिट आपकी दूसरी होती है। तो इन्हीं दोनों यूनिटों को हमें सीखना है कि लंबाई में किन यूनिटों का हम प्रयोग करते हैं, किन पैमानों का प्रयोग करते, और जब हम रकबा क्षेत्रफल यानी एरिया जब हम मेजर करते हैं तो उसमें किन आपकी अलग अलग यूनिट का प्रयोग करते हैं, इन्हीं को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानना है। तो आज पॉइंट मेरा इसी पर चलेगा, बहुत सारे नाम आप लंबाई में जब मेजर करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे नाम सुनते हैं, ठीक है, उनमें आप जो है मीटर से शुरू करते हैं और सारी चीजें धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात भैया, मैं फिर से उस चीज पर आ रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है, इस चीज को जानिए,
जो आपका पिछला पेपर हुआ था 16 वाला या 15 वाला, ठीक है, राजस्व वाला जो पेपर हुआ था, उस पेपर में यह था भैया कि उसमें जो आपसे पूछा था लगभग जो ये 25 प्रश्न आपके आए थे, इन पर गौर करिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कंपटीशन निकालने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि छोड़ना क्या है। ठीक है, अगर आपको यही सिर्फ इतना पता है कि पढ़ना है तब तो कंपटीशन निकल गया, तब आप समझ लीजिए तब आपको पीएचडी करना ज्यादा उचित है। कंपटीशन के लिए स्मार्ट होना जरूरी है, ठीक है, जितना पढ़ो उसमें जानो कि फायदेमंद चीज क्या है, नहीं तो पता चले इतना बड़ा दिमाग है उसी में सब कुछ भर दिए, दिमाग को पता नहीं चल रहा कि कौन सी फाइल हमें जो है उसमें डालनी है डस्टबिन में, कौन सी फाइल हमें जो है सही मेमोरी में ले जानी है, और पता चला जो सही चीजें हैं उसको डस्टबिन में डाल दिया, रिसाइकल बिन में, और जो बेकार चीजें थी उनको सही जगह सुरक्षित सेव कर दिया। तो ऐसी चीजों को सीखो। 25 प्रश्न जो भैया आए इसमें से लगभग आप ये मानो कि 12 से 14 प्रश्न में ऐसा बोल सकूंगा जितनी योजनाएं गांवों के विकास को लेकर चल रही है, ग्राम विकास को लेकर जितनी योजनाएं स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के स्वतंत्रता से लेकर के अब तक जितनी योजनाएं चली हैं उनमें से लगभग 12 प्रश्न आपके ऐसे रहे हैं जो वहां से पूछे गए। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, ये इस योजना में क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना प्रारंभ हुई, तो मतलब पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल रहे, करंट में योजनाएं जो ग्राम विकास को लेकर चल रही उनसे रहे, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती रही वो रही, ये लगभग 12 से 14 प्रश्न 25 में ये रहे। तो पढ़ना क्या है मुख्य रूप से ग्रामीण विकास में, सारी योजनाएं पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना चलाई गई, ठीक है, उन सारी चीजों को पढ़ना है। तो आगे की मेरी जितनी क्लासेस होंगी अब मैं आपको कृषि से संबंधित योजनाएं जो स्वतंत्रता से लेकर आज तक की करंट होगी, ठीक है, वो सारी योजनाएं, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं, सबसे पहले मैं पंचवर्षीय योजनाएं आपको पूरी पढ़ाऊंगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस योजना को चलाया गया, नारा क्या था, तमाम चीजें, ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूछा है ये 12 पर आप जब गौर करेंगे 12 से 14। उसके बाद दूसरी जो चीजें पूछा है भैया वह उत्तर प्रदेश पूछता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगभग 8 से 10 प्रश्न, आप ज्यादा ही मान लीजिए कि लगभग 8 से 10 प्रश्न आपका यूपी रहा है, 2-4 चीजें इधर उधर से कहीं पूछा है बस। तो सबसे ज्यादा योगदान आपका जो वर्तमान मतलब स्वतंत्रता से लेकर के आज तक जो योजनाएं चल रही केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उन योजनाओं से सवाल पूछा है जो कृषि के लिए है और गांवों के विकास। तो अब आगे जब हम लोग मिलेंगे तो मैं यही चीजें आपका पूरा एकदम लेटेस्ट मुद्दा बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी बताऊंगा आपको, उसके बाद हम लोग कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं चल रही है करंट तक का मतलब आज तक का, ये सभी के लिए जो भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, उन सभी में पूछा जाता है, तो सभी में फायदेमंद होगा। तो पढ़ो वहां से जहां से अपना कल्याण होना है, पेपर आप भी देख लेना, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि अच्छा मैं ऐसा बोल रहा हूं तो वो चीजें हैं, आप पेपर देख लीजिएगा अच्छे से, वहां एनालिसिस कर लो क्या चीजें जो मैं बोल रहा हूं ऐसी सही है, तब आओ। तो चलिए अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वहां पर चलिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने एक तरफ से लगा दिया है कि एक एक चीजें, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैं एक पॉइंट यहां लिखाऊं आप 20 पॉइंट मुझसे आगे सोचे, ठीक है, मैं कंपेरिजन करके पढ़ाना ज्यादा सही समझता हूं, क्योंकि तरीका जो बेस्ट माना जाता है वो ये है, ठीक है, पढ़ो, क्योंकि देखो मेरा एक ही चीज मानना है कि पढ़ो वो चीजें जिससे कुछ अपना हो सके। देखो इसमें जो चीजें हमें पढ़नी है आज उन पर मैं हूं, लंबाई एवं रकबे की मापे, रकबे को मैंने बता दिया कि एरिया क्षेत्रफल को रकबा कहते हैं, समझे, जब आप लेखपाल बनेंगे तो आपको ये सारी चीजें मेजर करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले मैं उठाता हूं, मैंने छोटी सी यूनिट से प्रारंभ किया है, आपके जितने तमाम ऐसे सवाल होंगे सब कुछ आज यहां पर शांत हो जाएगा, इसके बाद आपको ना तो किसी में कंफ्यूजन रह जाएगी ना कुछ आपको जानना रहेगा। देखो भैया एक जो मीटर होता है जो आप सारे लोग जानते हैं, एक मीटर में सबसे पहले जो आप छोटी सी एक स्केल होती है, ठीक है, एक मीटर में आपको यह जानना होता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक, यह फॉर्मूला सभी को पता है, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं तो यहां से चीजें जानना प्रारंभ करो, दिमाग में बना लीजिए एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और जो आपकी 100 सेंटीमीटर है उसमें लगभग 39.3701 इंच होती है, 40 पूरा नहीं होता है, 39.3701 इंच होता है एक मीटर में, समझ गए, लगभग 40 के करीब 40 इंच एक मीटर में पाया जाता है।
तो दूसरी बात, एक यार्ड कहते नहीं, एक यार्ड दूरी जो है ले लीजिए, ये लंबाई के मात्रक सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ये जो भी चीजें मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं ये सब लंबाई के मात्रक हैं, दिमाग में ये पहले बना लेना, ये लंबाई के मात्रक हैं, लंबाई की यूनिटें हैं, मैं आपको रकबे की यूनिट नहीं बता रहा हूं अभी, इसके बाद रकबा बताऊंगा, क्षेत्रफल बताऊंगा। जो अब दूसरी चीज, हम यार्ड में मापते हैं लंबाई को, यार्ड को हिंदी में कहते हो गज, जो एक गज होता है, एक गज में 36 इंच होते हैं, यहां पर आपने देखा कि एक मीटर में 39.37 इंच होती है, तो गज में जब 36 इंच होगी तो एक गज एक मीटर से कम होगा, जाहिर सी बात है, एक गज जो होता है ये 0.91 मीटर के बराबर होता है, समझे, एक गज जो होता है ये 0.91 मीटर के बराबर होता है। दूसरी बात, गज के बाद अगली चीज जो आती है वो होती है हाथ, कहते एक हाथ जमीन चाहिए भैया, एक हाथ माप लो, दो हाथ इधर से छोड़ दो, एक हाथ तुम छोड़ दो, गांव में क्या होता है भैया, डेढ़ हाथ तुम छोड़ दो अपने खेत से, डेढ़ हाथ वो छोड़ दें, बीच में चक्रोड बना दिया जाए, ठीक है, जो एक हाथ होता है अगर इस चीज को आप मेजर करोगे, ये लंबाई कितनी होती है, एक हाथ में भैया जो है 18 इंच होती, यानी जो है एक जो गज होता है उसका लगभग आधा हो जाता है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अगली चीज, इसमें जो एक हाथ में लगभग 1/2 यार्ड होता है, आधा गज होता है, एक जो हाथ होता है इसमें आधे गज जमीन आपकी आती है, समझे, यानी इसमें 18 इंच होती है। दूसरी बात, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, इंच को आपके, ठीक है, यहां 18 इंच दी थी, इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग जो यहां पर आपका था 0.991 मीटर, 36 इंच इसका जस्ट आधा हुआ, तो यह भी लगभग आपका क्या जाएगा, जस्ट आधा होगा, यानी यह 0.4572 मीटर के बराबर होता है, उसका हाफ इसमें चीजें चली आती हैं। ऊपर से समझना, सारी चीजें जो है लगभग हाफ ऑफ में मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूं, इस तरीके से अगर आपने दिमाग में बना लिया जैसे मैंने बताया, यह कोई टफ चीज नहीं है, एक बार जैसा फॉर्मूला ऐसा लिख लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज आगे समझो, जब आप एक हाथ मेजर करते हो तो हाथ के बाद जो बड़ी इससे बड़ी यूनिट होती है वह गट्ठा होती है, ठीक है, गट्ठा कहते नहीं, एक गट्ठा जमीन, ये जब आप लेखपाल बनेंगे तब मेजर करना होगा, एक गट्ठे को समझो इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात जो आती है, एक गट्ठे में भैया 99 इंच होता है, एक गट्ठे में 99 इंच होता है, यानी इसमें 3.25 गज के बराबर जमीन आती है, 2.75 यार्ड यानी 3.25 गज के बराबर इसमें जमीन होती है। अगली चीज, अगर इसको मीटर में कंपेयर करोगे तो यह लगभग 2.5146 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, यानी अगर इसको हाथ में मेजर करें तो यह 5.5 हाथ के बराबर होता है, समझ गए, एक जो गट्ठा होगा वह 5.5 हाथ के बराबर होता है, इसीलिए यहां पर जो है 18 इंच, एक गट्ठा पहले 18 इंच का होता है, लेकिन जब 5.5 हाथ का एक वो मतलब एक हाथ में 18 इंच होते हैं और एक गट्ठे में जब इंच की बात करेंगे तो एक गट्ठा जो है कितने हाथ के बराबर, 5.5 हाथ के बराबर होगा, यानी इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18 में 5.2 से, तो वहां चीजें आपकी मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज, मतलब यहां से यह समझ लेना कि 5.5 हाथ आपका एक गट्ठे के बराबर होता है। दूसरी चीज समझो, अब गट्ठे के बाद जरीब आती है, ठीक है, गट्ठा तो आप एक लट्ठे जैसी चीज ही है, लट्ठा जो होता है वही गट्ठा बोल सकते हो, ठीक है, एक लट्ठा उसी को आप गट्ठा बोल सकते हो, लेकिन अगली चीज ध्यान रखिए, जो जरीब होती है, जरीब भैया एक ऐसे ये मेजरमेंट का होता है, ठीक है, एक तो ऐसे इसमें चीजें होती हैं, यहां पकड़ने वाला शुरू के छोर पर और एक अंतिम के छोर पर हाथ में पकड़ने वाली चीजें होती है, ठीक है, जैसे फीता लेकर मेजर करते हो, एक लोग इधर पकड़ ले, एक लोग उधर पकड़ ले, तो ऐसी होती है, इसमें बीच में ऐसे ऐसे मतलब एक छल्ला, दोनों सिरे पर छल्ले होते हैं और हर एक छल्ले से जो है ऐसे जरीबे आपस में जुड़ी रहती हैं, तो इनको आप सीधा करके ऐसे मेजर कर सकते हो, ये जरीबे थी, ठीक है, तो जरीब इसी को बोलते हैं, ये लोहे की एक चेन होती है जरीब, ठीक है, जैसे इतनी इतनी बड़ी चीजें मान लीजिए है, इस पर एक छल्ला लगा दीजिए, एक इस पर, अब उस छल्ले में दूसरा छल्ला फंसा के तीसरा इसे जोड़ते चले जाओ, तो इसको जब सीधा करेंगे तो सीधी हो जाएगी, वो जरीब होती, चेन होती है। अब जरीब में जो है, ठीक है, ये तो छोटे छोटे मेजरमेंट रहे, अब मान लीजिए बड़ा मेजरमेंट हमें करना है जो है, तो वहां पर जरीब यूज करते थे, इसमें 1980 इंच होती है,
यानी लगभग 55 यार्ड 55 गज होती है एक जो है जरीब में। ये मैंने आपसे पूछा भी था। अगली चीज अगर देखें मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 50.292 मीटर के समथिंग ये होती है आपकी एक जरीब। अगर इसको हाथ में कन्वर्ट करोगे तो 110 हाथ एक जरीब में बनता है, और अगर गट्ठे में इसको कन्वर्ट करें तो 20 गट्ठे के बराबर एक जरीब की लंबाई होती है। समझ गए? एक जरीब की लंबाई 20 गट्ठे के बराबर होती, या एक जरीब की लंबाई जो है 110 हाथ के बराबर होती है, या एक जरीब की लंबाई 50.292 मीटर होती है, या एक जरीब की लंबाई आपकी 55 यार्ड यानी 55 गज होती है, या एक जरीब की लंबाई 1980 इंच होती है। समझे? तो ये जरीब होती है। ये लंबाई से संबंधित हमने कौन कौन से मापन है, दिमाग में चीजें अलग अलग करके रखो। लंबाई में मीटर है, गज है, हाथ है, गट्ठा है, जरीब है। पांच आपकी यूनिटें ऐसी हैं जो हम लंबाई में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमें रकबा मेजर करना है। रकबे में कौन कौन सी चीजें प्रयुक्त जो है प्रयुक्त करते हैं इसको समझो। ठीक है, अब क्षेत्रफल मेजरमेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रफल जब आप मेजर करोगे, जैसे एक गज है तो जो है अगर कोई जमीन होती थी, ठीक, अब जमीन है मान लीजिए ये, अब इसको मेजर करना है, ठीक, तो जिधर जितनी लंबाई इधर होगी उतनी ऐसे, तो इसको किस हिसाब से, जमीनों के चूंकि अलग अलग आकार होते हैं, कोई लंबाई चौड़ाई में बराबर हुई, स्क्वायर की शेप में हुई, अधिकतर आपको आयताकार मिलेंगी, कुछ कोणीय जमीन मिलेगी, तो इन सभी की चूंकि जो लंबाई मतलब क्षेत्रफल होगा वह अलग अलग होगा, इस वजह से जमीन में जो आपकी यूनिटें होती हैं या अलग अलग होती हैं। समझे? चलो एक एक को सीखिए। जैसे सबसे पहले जो मैंने आपके सामने शुरू किया है, कहां से हम मेजर करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम गज से मापते हैं। मान लीजिए कोई जमीन है आपकी जो एक गज जो है लंबाई में है और एक गज आपकी चौड़ाई में है। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ग गज या एक स्क्वायर यार्ड बोलते हैं, कि ये जमीन एक स्क्वायर यार्ड है। अब उसको समझो, ये एक स्क्वायर यार्ड जो होगी वो 1296 स्क्वायर इंच के बराबर होगी। 1296 स्क्वायर इंच के बराबर होगी, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे भैया तो ये लगभग 0.83 6127 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक स्क्वायर यार्ड जो है, या एक वर्ग गज। ठीक है, दूसरी बात समझो, अब अपने यहां वर्ग गज तो आप समझ गए कि एक वर्ग गज जमीन क्या हो गई। अब उत्तर प्रदेश में अपने जिस हिसाब से जो है मात्रक चलते हैं उनको समझ लो। अपने यहां बिस्वांसी से सबसे पहले मेजरमेंट शुरू होता है। ठीक है, बिस्वांसी से छोटी यूनिट होती है जिसको कचवांसी बोलते हैं, लेकिन यह बहुत छोटी हो गई। बिस्वांसी मतलब जो है ठीक ठाक जमीन हो गई, लेकिन जो कचवांसी होती है ये बिस्वांसी से छोटी यूनिट होती है। कचवांसी बहुत ही छोटी, मतलब एक चेयर के बराबर अगर हम बैठ जाए एरिया लेकर उसके 20 पार्ट कर दे, उसमें हर एक जो बनेगा वह एक एक बिस्वांसी के बराबर। ठीक है, मेजरमेंट आप देखते होंगे गांव के लोग होंगे तो उसमें पांव से चलकर जो है क्या करते हैं, दोनों पांव को ऐसे आगे पीछे जो है मिला लेते हैं, उससे बिस्वांसी भी मेजर किया जाता है, या हल्के हल्के छोटे छोटे पांव चलाकर जो है भी मेजरमेंट लिया जाता है। जो आपके बुजुर्ग होंगे घर के वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो मेजरमेंट भी वो बिस्वांसी में मेजर होता है कि अच्छा इतने बिस्वा, ठीक है इतने बिस्वा है, तो वो वैसे ही जो है पैर से चलकर ही मेजर कर देते हैं कि इतना निकल गया भैया, इतना बिस्वांसी जो है, इसमें ये चीज होगी, इसमें ये होगी, तो वहां पर उनका अनुभव काम आता है। ठीक है, अपने यहां समझो जो एक बिस्वांसी होगा वह 20 कचवांसी के बराबर होता है। कचवांसी इससे छोटी यूनिट है, यानी एक वर्ग गट्टा, यानी 1/1 वर्ग गट्टा आप ले लो तो वह क्या लगभग 3.5 हाथ। ठीक है, आगे चीजें समझिए, जब इसको वर्ग इंच में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, यानी इंच बाई इंच में जब इसको मेजर करोगे तो ये 9801 स्क्वायर इंच के बराबर होती है। अभी बिस्वांसी लेकर चल रहा हूं, जब इसको फीट में मेजर करोगे तो 68.0625 वर्ग फीट के बराबर होती है, यानी इतना ही लंबाई में इतना ही चौड़ाई में। दूसरी चीज, इसको जब आप वर्ग गज में करोगे तो 7.5625 जो है वर्ग गज के ये बराबर होती है। अगली चीज और समझ लो, स्क्वायर मीटर में करोगे तो स्क्वायर मीटर में जो है ये 6.3232316 वर्ग मीटर के बराबर होती है। मतलब कोई भी यूनिट आपकी इसके बाद आपको नहीं सोचना है कि सर जी
मतलब मैंने सवालों को देखा बच्चों के, और जैसे सवाल उसमें पूछा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका इसमें कन्वर्जन सिखा दीजिए, तो इसीलिए मैंने सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया कि कितनी यूनिटें बनती, किसमें क्या मेजरमेंट होता है, कितने से मल्टीप्लाई कितने से गुणा करना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसीलिए मैंने हर एक वैल्यू को एक पर रख के किया है, ठीक है, कि यहां से आपको ये ना अब सोचना पड़े कि अच्छा इधर पूछा तो इधर मल्टीप्लाई, इधर पूछा तो इधर डिवाइड, इतने करना है, उतना आप दिमाग स्वयं से लगा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, दूसरी चीज विश्वांशी समझ गए, अब बिस्वा क्या होता है, ठीक है। जैसे अपने यहां बिस्वा से बड़ी बीघा होता है, बीघा हर जगह अलग अलग होता है, और बीघे में बिस्वे अलग अलग होते हैं हर जगह पर, और बिस्वे में जब बीघा बिस्वे बीघे में बिस्वा अलग होगा तो बिस्वे में विश्वांशी अलग होती है हर जगह, जाहिर सी बात है। अब जो आपकी विश्वांशी है, विश्वांशी से बड़ी यूनिट होती है बीघा, ठीक है, एरिया को मेजर करने का। एक जो आपका बिस्वा होता है भैया, इसमें 100 विश्वांशी होती है, एक बिस्वे में 100 विश्वांशी होती है, यानी 20 स्क्वायर गट्ठा अगर ले लिया जाए 20x20 का, मतलब 20 स्क्वायर इधर जो है, 20 गट्ठा इधर और 20 गट्ठा इधर, लंबाई चौड़ाई में ले लिया जाए, वह जमीन एक बिस्वा जमीन होती है आपकी, ठीक है। दूसरी चीज भैया, इसको जब आप इंच में देखोगे तो आपका लगभग जो है एक 19 जो है 60x20 वर्ग इंच के बराबर जाती है, ठीक है। अगली चीज, अगर इसको हम फीट में देखें तो 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होती, मतलब इतनी जमीन आपकी लंबाई में भी रहेगी, इतनी ही चौड़ाई में भी रहेगी। अगली चीज, अगर इसको यार्ड में देखें यानी गज में देख ले, तो यह जमीन 15.125 गज के, स्क्वायर गज के बराबर होती है, या वर्ग गज के बराबर होती। मीटर में देखोगे 126.46423 स्क्वायर मीटर के बराबर होती है, ठीक है, यानी लगभग जो है 100 मीटर से ऊपर पहुंच के, ये चीजें रहती है। आगे बढ़ते हैं अगली चीजों पर, इनमें अगला समझो भैया। अब एक कच्चा बीघा, इसके बाद जो होता है बिस्वा के बाद बीघा होता है, लेकिन बीघे दो तरीके के होते हैं, एक आपका कच्चा बीघा होता है, एक पक्का बीघा होता है, जो आप लिखोगे हर जगह मेजरमेंट करोगे। तो कच्चा बीघा पक्का बीघा में पूछा है रिलेशन क्या होता है, इसको समझो, देखो बहुत अच्छे से समझना है, यहां के बाद आपको कंफ्यूजन। जो एक कच्चा बीघा होता है, एक कच्चा बीघा आपका 6 सही 2/3 बिस्वा के बराबर होता है, किसके 6 सही 2/3 बिस्वा के बराबर आपका होता है एक कच्चा बीघा, 6 सही 2/3, ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हो 20/3 बिस्वा के बराबर होता है एक आपका कच्चा बीघा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। दूसरी चीज, अगर इसको यार्ड में आप पलटना चाहो, ठीक है, तो यह लगभग 1008 वर्ग गज के बराबर होता है। दूसरी चीज, अगर वर्ग फीट में करोगे 9075 होगा, वर्ग मीटर में करोगे 843 होगा, हेक्टेयर में करोगे 0.0843 हेक्टेयर के बराबर होगा, मतलब एक हेक्टेयर नहीं होता, एकड़ में करोगे तो 0.02, ठीक है, जो है 0.20831 जो है एकड़ के बराबर होगा। तो यहां पर आपको समझना है कि जो एक कच्चा बीघा होता है वह 20/3 बिस्वा के बराबर होता है, यानी यह एक पक्के बीघे से कम होता है, एक जो पक्का बीघा होगा वह 3 कच्चे बिस्वे के बराबर होता है। समझे नहीं समझ पाए, आगे समझो, कच्चे बीघे और पक्के बीघे में मैंने रिलेशन पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया था, ठीक है। जवाब देखो भैया, आगे बढ़ लो, एक पक्का बीघा क्या है, जो एक पक्का बीघा होगा वो आप मीजर करोगे, एक जरीब इधर एक जरीब इधर, जब आप मीजर करके लिख दोगे तब वह एक पक्का बीघा बनेगा, समझे। एक जरीब आपने इधर मीजर कर दिया लंबाई में, एक जरीब चौड़ाई में, उससे जो बन के तैयार हुआ वह एक पक्का बीघा होगा। दूसरी बात भैया, एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है, समझ लेना, एक पक्का बीघे में 3 कच्चा बीघा होगा आपका। अगली बार चलिए, तो अब पक्के बीघे में लेकर के सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इसमें कितने कच्चे बीघे होते हैं, पक्का जो आपका बीघा होगा उसमें 3 कच्चे बीघे होते हैं, यानी इसमें फिर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो पिछली बार हुआ था, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे और सब बोल रहे थे कि जो है
ये कच्चा बीघा नहीं ध्यान दे रहे थे, उसमें सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है और एक पक्के बीघे में 20 बिसवा होता है, करेक्ट। ठीक है, 20 बिसवा करेक्ट होता है एक आपके पक्के बीघे में। अगली चीज, अगर इसको आप फीट में, वर्ग फीट में कन्वर्ट करोगे तो वो वहां पर 27,225 यानी 27,225 वर्ग मीटर जो है फीट, इसका कन्वर्जन जाता है, ठीक है, फीट में। उसके बाद जब गंज में करोगे तो 3,025 गज ये जमीन होती है वर्ग गज में, ठीक है। स्क्वायर मीटर करना चाहो तो 2529 वर्ग मीटर के बराबर होती है, ठीक है, यानी 2529 इधर भी, 2529 इधर भी, दोनों तरफ मिला के तब आपका बनता है एक पक्का बीघा। तो एक पक्के बीघे को बहुत अच्छे से याद रखना है, एक वर्ग जरीब के, यानी एक जरीब आप लंबाई में, एक जरीब चौड़ाई में मेजर कर लो, ठीक है। हालांकि दोनों लंबाई चाहे इधर से मेजर करो चाहे इधर से, तो वहां पर चीजें क्या बनती हैं, यह एक जरीब जब पूरा होगा तो वह एक पक्का बीघा होता है, ठीक है। यही मेजरमेंट हर जगह चलता है, और ये खासकर मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर बताया, हर जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी जगह, हाँ ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ आपके गोरखपुर जैसे साइड में वहां पर कच्चे बीघे में परिवर्तन होता है, लेकिन पक्का बीघा आपका यही हर जगह चलता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब बीघे के बाद जो है कच्चा बीघा, पक्का बीघा आप सीख गए, बिसवा सीख गए, बिसवंशी सीख गए, अब उससे बड़ी यूनिट जो होती है रकबे की, वह बड़ी यूनिट होती है एरिया आपकी, ठीक है, एरिया बोल ले, एकड़, ठीक है, एरिया का मतलब तो रकबा। अब एकड़ में समझ लो, इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, एक एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड जमीन आपकी होती है, यानी 4840 वर्ग गज जमीन एक एकड़ के अंतर्गत आती है। दूसरी बात भैया, इसी में चीजें कंफ्यूजन आई थी बच्चों में, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन बनी रही, ठीक है, इसमें वर्ग मीटर देखोगे तो 4000 जो है 46 के बराबर होता है और फीट में 43,560। हेक्टेयर में इसको कन्वर्जन सबसे पहले, क्योंकि यहीं से पूछता है, हेक्टेयर में जो कन्वर्जन होता है वो 0.4047 के बराबर होता है, ठीक है। अगली चीज समझ लो, हेक्टेयर को समझ लो, जो एक हेक्टेयर होता है उसमें 3.95 जो है 4132,07 पूरी जो अंतिम डिजिट है वहां तक चीजें हैं, लगभग 3.95 आपका पक्का बीघा होता है एक हेक्टेयर में, ठीक है, एक हेक्टेयर में ये लगभग जो है 3.954 पक्का बीघा होता है। जब इसको कच्चे बीघे में कन्वर्ट करोगे एक हेक्टेयर को, तो इसमें 11.862392 ये इतना कच्चे बीघा के बराबर होता है आपका एक हेक्टेयर। अगली चीज, अगर इसको एकड़ में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 2.47 एकड़, अपने यहां के बारे में मैं बता रहा हूं, 2.47111 एकड़ के या बराबर जमीन होती है एक हेक्टेयर आपकी। जब इसको स्क्वायर मीटर में करोगे तो यही चीज मेजर याद रखिएगा, ये 100x100 यहां पर हो जाता है, मतलब आपका 10,000 वर्ग मीटर, मतलब 100x100 का अगर आप मेजर कर रहे हो, 100 मीटर इधर है, 100 मीटर आपका इधर है लंबाई चौड़ाई में, तो यह जमीन आपकी एक हेक्टेयर जमीन कहलाएगी, समझे। तो एक हेक्टेयर से अब आप नीचे की ओर बढ़ोगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कुछ और तुलना, ठीक है, जो कुछ वहां से निकल के आया जहां से सवाल पूछता है, समझ लो यहां से भैया, ये लगभग में मैंने तुलना लिखी है, एक हेक्टेयर लगभग 4 पक्का बीघा होगा, 3.9 आपने देखा वहां पर, लगभग 4 पक्का बीघा, एक हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है, ये लगभग में है, ठीक है, 2.47 तो मैंने 2.5 एकड़ लिख दिया है। एक हेक्टेयर जब कच्चे बीघे में देखोगे तो 12 कच्चा बीघा होता है, और एक जो वर्ग मीटर होता है, ठीक है, यानी 1 × 1 मीटर, यह जो आपका फीट में करोगे तो 10.76, ठीक है, वर्ग फीट या फीट स्क्वायर के बराबर होती है जमीनें। इसको आप अच्छे से नोट करें, लिखें, उसके बाद पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इससे बाहर नहीं पूछता है। अब सवाल उठा के देख लो, इतने पर ही चीजें रोक दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा, तो जितना था सब मैंने निचोड़ आपको बता दिया।